नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आपको पता है कि गर्मियों के इस मौसम में कबूतरों के अंदर लकवे की बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। लकवे की जो बीमारी होती है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होती है। पिछली जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। इसमें बर्ड्स में 72 से 72 घंटे के अंदर अचानक से बिना कोई सिम्टम्स दिखाए अचानक से जो है बर्ड्स की डेथ हो जाती है। बर्ड्स का जो है ब्रेन अफेक्टेड होता है, मतलब इसमें आप कह सकते हो कि बर्ड्स जो अपनी गर्दन को हवा में घुमाना शुरू कर देता है, बर्ड्स का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए हम इसे लकवे की बीमारी भी कहते हैं, हवा में आना भी कह सकते हैं। कबूतर अपनी गर्दन को हवा में लेफ्ट राइट या सर्कल में घुमाना शुरू कर देता है, गर्दन अपनी पूरी एक तरफ से पूरी घुमा लेता है। इस बीमारी में यदि एक बार आपके बर्ड्स में आ गई तो एक रात के अंदर पूरा जितने आपके पिजन्स हैं ऑटोमेटिक ये सब में जो है फैल जाती है। इस बीमारी से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसका जो वैक्सीन्स है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आज जो मेरा मेन वीडियो का फोकस है, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसका जो वैक्सीन है वो बर्ड्स में कैसे लगाते हैं और उसको लगाने का क्या तरीका है और कैसे बर्ड्स में इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये जो है बर्ड्स का पैरामिक्सो वायरस का, यानी आप कह सकते हो लकवे के कबूतर जो है उनका भी वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन्स को जो है आप हमेशा फ्रिज के अंदर आप रखिए इसको। ये अभी मैं फ्रिज में से लेकर के आया हूँ। इसके लिए जो आपको है ये इंसुलिन की सीरिंज आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये हमारे पास एक कबूतर है, आप इसकी गर्दन को देखिए। इस टाइम इसमें क्लियर सिम्टम्स है कि ये इसकी गर्दन का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसकी गर्दन अपने आप लेफ्ट राइट या पूरी अपनी गर्दन को 360 डिग्री एंगल पे भी जो है पूरा रोटेट कर लेता है। ये जो वैक्सीन्स है, यदि आपके बर्ड्स एक बार इससे इम्यून हो गए, यानी एक बार आपने अपने सभी बर्ड्स का इसमें वैक्सीनेशन भी आप कर देते हो और एक महीने बाद उसका बूस्टर डोज आप रिपीट कर देते हो, तो आपके बर्ड्स पूरे एक साल के लिए इम्यून हो जाते हैं। यानी बर्ड्स के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एक साल के लिए इस बीमारी के, यानी आपके बर्ड्स में अगले एक साल तक इस बीमारी का कोई भी प्रकोप नहीं आएगा। या आपके बर्ड्स एक बार रिकवर हो जाते हैं फिर आप कोई भी नया बर्ड्स ला करके अपने इन बर्ड्स में एडमिट कीजिए, क्योंकि हमेशा जो इन्फेक्शन आता है या तो वाइल्ड पिजन से आता है या कोई दूसरा ऐसा पिजन्स जो आपके स्टॉक का नहीं, आप कहीं से परचेज करके लेकर के आए हो और वो ला करके आपने सभी अच्छे कबूतरों में मिक्स कर दिया, वहाँ से इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, ये जो बीमारी होती है ये आपको पता है क्लोथ्स के द्वारा, कपड़ों के द्वारा फैलती है। यानी आप किसी ऐसे घर में गए हो जहाँ पे पिजन्स के अंदर बीमारी है और वहाँ से आने के बाद आप अपने बर्ड्स को टच कर देते हो तो आपके कपड़ों के द्वारा ये वायरस जो है आपके बर्ड्स में अंदर एंटर कर जाता है। इसलिए हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है कि यदि आप किसी ऐसे इन्फेक्शियस सोर्स में आप जाते हो तो ऑटोमेटिक वहाँ जा कर के आपको अपने कपड़े चेंज करने के बाद ही अपने बर्ड्स के कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। मेन है अब बर्ड्स को वैक्सीनेशन। ये सिरिंज है, इसको आप लीजिए। इसका जो डोज रेट है 0.5 ml है। इसमें क्लियर इंडिकेशंस होता है, इंसुलिन सीरिंज है, इसमें मार्किंग इजीली अवेलेबल है। इसकी जो देने की साइट है, साइट ऑफ इंजेक्शन इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, ये कबूतर की गर्दन है, इसको ऐसे पकड़िए, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ खींचे, इसमें देखिए बर्ड्स को आपने इस तरीके से कंट्रोल करना है। इस पर दो आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। एक ये गर्दन आपने ऐसे खींच के, ये जो साइट है यहाँ की स्किन को आपने ऊपर उठाना है, क्योंकि ये जो वैक्सीन्स होती है हमेशा सब कट के थ्रू लगती है। जब आपने इसको यहाँ पे लगा लिया है तो आप इसको यहाँ से खींच करके आपने धीरे से जो आपकी वैक्सीन है इसको अंदर इंजेक्ट कर देना है। इंजेक्ट करने के बाद आपने इसको अच्छे से रब कर देना है। इसमें किसी भी प्रकार को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या बर्ड्स में कोई भी मॉर्टेलिटी नहीं होती। वैक्सीन्स जो होती हैं हमेशा बीमारी से बचाव के लिए होती है। वैक्सीन लगने के कारण कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। देखिए, वैक्सीन लगने के बाद यदि एक दो मॉर्टेलिटी होती है वो किसी और रीज़न से होती है, वैक्सीन से कभी भी मॉर्टेलिटी नहीं होती। तो इस तरीके से ये एक डोज दे दिया है। अब सेम डोज हम जो है आज, आप इस डेट को आप नोटिस कर लीजिए अपनी डायरी के अंदर, एक महीने बाद इस डोज़ को हम फिर से रिपीट करेंगे ताकि फर्स्ट डोज के अंदर 80% इम्यूनिटी तो इसके अंदर आ जाएगी,
इस डिजीज़ से अगेंस्ट फाइट करने के लिए। लेकिन 100% इम्यूनिटी के लिए एक महीने बाद जब हम इस डोज को हम सेम रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक 100% इम्यूनिटी अगले एक साल तक के लिए आपके बर्ड्स के अंदर आ जाएगी और आपका बर्ड्स अगले एक साल तक इस बीमारी की चपेट में नहीं आएगा। अब मैं एक और बर्ड्स में आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये एक और बर्ड्स है, ये भी हवा की चपेट में आया हुआ है। इसको भी वैक्सीन देने का तरीका वही है, क्योंकि इसमें देखिए इसका गर्दन का बैलेंस नहीं, अपनी पूरी गर्दन को घुमा लेता है। तो इसमें देने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे, इसको पकड़, गर्दन को आपने इस तरीके से पकड़ना है। आपने नया सीरिंज यूज़ करना है हर बर्ड्स के लिए। आपने वैक्सीन्स को लेकर के इसको नीडल के अंदर लेना है। अपनी डोज कैलकुलेट कीजिए, जो आपकी मार्किंग है उसके हिसाब से। अब सही देने का तरीका ये देखिए, गर्दन के ऊपर जो स्किन है इस फ्लैप को आपने इसे उठाना है, क्योंकि वैक्सीन्स जितनी भी होती है सब का ट्रूथ से दी जाती है। आपने ये इसको ऊपर खींचना है, आपने हल्के से यहाँ इसको इंजेक्ट करना है और धीरे धीरे जो आपकी वैक्सीन की डोज है आपने इसको दे करके इसको रब करना है और इसको छोड़ देना है। 2-4 मिनट आप बर्ड्स को ऑब्जर्व कीजिए, हालांकि इसमें कभी भी कोई रिएक्शन या कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद एक एक करके आप अपने बर्ड्स को इस प्रकार इम्यून कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपके जितने भी बर्ड्स हैं, यदि आप उनका सभी का वैक्सीनेशन कर देंगे तो अगले एक साल तक ये बीमारी, आपके जितने भी कबूतर हैं वो बिल्कुल इम्यून हो जाएंगे और आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि लकवे की बीमारी किन कारणों से होती है, कैसे हम उसका वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि हमने वैक्सीन्स आपको लगा करके दिखाया, उसको डोज देने का तरीका बताया है, कौन सी साइट पर इंजेक्शन दिया जाता वो दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।